दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दुड़मा जलप्रपात। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप एक देख सकते हैं, अच्छा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। रास्ते से हम लोग को इधर जाना है, ये वाला रास्ता उस पल गया हुआ है। सो गाइस वीडियो में बने रहिए। आइए चलते हैं दुड़मा जलप्रपात। तोंगपाल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग जांगरपाल गांव पहुंच चुके हैं। ये देखिए प्यारा सा पुल, लगभग 2 साल हो गया ये पुल बने हुए। ये चक्का बुक्का नदी है जो कि आगे गांव को जोड़ता है। जब ये पुल नहीं बना था तो लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही थी। सो गाइस अभी यहां पर आने जाने की मस्त सुविधा हो चुकी है इस पुल बनने के कारण। ये देखिए गांव वाले शायद आज बाज़ार गए थे संडे का दिन है, तो आगे एक चितलनार गांव है, यहीं पर हम लोग बाइक रख के अभी यहां से दुड़मा जलप्रपात के लिए, आप लोग देख सकते हो ये नाला पार करके हमको आगे बढ़ना है। इस नाले की वजह से हम लोग बाइक यहीं पर रख के, हम लोग पैदल ट्रैक अभी चालू होता है। सो गाइस देखते रहिए, यहाँ पर गांव वाले गाय चरा रहे हैं। ये देख सकते हो आज का मौसम बढ़िया है, ये चारों ओर हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर खेतों पर धान लगा हुआ है, सो मस्त ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है धान। और यहाँ का पहाड़ी देखिए रास्ता, हम लोगों को इस रास्ते से होकर आगे बढ़ना है, हमें तो मंजिल तक पहुँचना है यार, तो जाना तो पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ये रोड से आना है, लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं भैया। अगर वहाँ पुलिया बने रहता तो हमको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से पहुँच जाते बाइक में, लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण यहाँ से पैदल आना पड़ रहा है। अभी बरसात का मौसम है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है। ये देख कि भाई साहब पूरा पत्थर ही पत्थर है, ये भी पहाड़ियों के बीच में स्थित है दुड़मा जलप्रपात। देख सकते हो अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद पता चलेगा। यहाँ से इधर जाना है, इसको आप देख सकते हैं ये वाला कनेर फूल का झाड़ है। अभी हम लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट में नहीं जाना है। राइट में जाने पर आपको सीधा पहाड़ी की ओर ले जाएगा और लेफ्ट वाला झरना में। लगता है हम लोग अभी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये सुनिए वाटरफॉल की आवाज़, बहुत ही मस्त लग रहा है ना। आप लोगों को सुन के कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं बांस के, बहुत ही क्यूट है। ये देखिए दुड़मा वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हो ये खूबसूरत सा वाटरफॉल, बहुत ही क्यूट है। दोस्तों ये लगभग 25 फीट की दूरी से नीचे जलप्रपात का रूप ले लेता है। सो गाइस यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर है जहाँ पर हम लोग अभी जा नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोग जा ही रहे थे कि अचानक मैं इसमें फिसल के गिर गया। सो गाइस आप लोग देख सकते हो पूरा पत्थर पानी से भीगा हुआ है, जहाँ पर भी हम लोग पैर रख रहे हैं पूरा फिसलन है, पास आगे हम लोग जा पाते और आप लोगों को मंदिर का दृश्य दिखा पाते, इतना अच्छा होता। सो गाइस हम लोग अभी उधर जा नहीं सकते, लेकिन बहुत ही प्यारा सा मंदिर है भोलेनाथ जी का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप लोग पिकनिक मनाने भी आ सकते हो। इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ पर पूजा की जाती है, उस समय थोड़ा भीड़ रहता है। दोस्तों अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग भी यहाँ पर घूमने आ सकते हो। तो गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो घूमने के लिए। अभी थोड़ा बारिश का मौसम है,
इसलिए अभी पानी ज़्यादा है, बारिश कम होने से तो पानी कम रहता है। चितलनार दूरमा जलप्रपात से जाना जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।